अयोध्या के नवनिर्माण की कड़ी में अब घाटों व झीलों की भी बदलेगी तस्वीर। सरयू घाट, लक्ष्मण घाट जैसे दर्जन भर घाटों की बढ़ेगी सुंदरता। 300 करोड़ रुपए से संवरेगा राम की जल समाधि का गुप्तार घाट। बदल रही है अयोध्या की पूरी तस्वीर, क्योंकि हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या की पहचान राम जन्मभूमि और सरयू नदी ही नहीं है। कई परतों में लिपटी हुई अयोध्या धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक महत्व के स्थलों के लिए भी जानी जाती है। अयोध्या के कुंड, घाट और अनेकानेक मंदिर रामनगरी की विशिष्टता है। एक ओर त्याग और तप के लिए यहाँ नंदीग्राम है, जहाँ भरत ने 14 साल तक राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्य संचालन किया, तो दूसरी ओर गुप्तार घाट है, जहाँ राम जल समाधि लेते हैं। इन्हीं अंतरध्वनियों के बीच हजारों आस्था केंद्रों के साथ सांस लेता ये शहर उन चार रास्तों गौरा गयासपुर, पूर्वा चकिया, तारडी और रामपुर भगन का भी साक्षी है, जिधर से राम वन गमन के लिए गए। राम मंदिर निर्माण के साथ ही इन सभी स्थलों का योगी सरकार कायाकल्प कर रही है। नवनिर्माण के साथ ही पुरानी धरोहर भी सहेजी जा रही है। अयोध्या का स्वरूप बदल रहा है मंदिर के साथ, और किन किन योजनाओं पर चल रहा है काम, ये जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर के निर्माण पर जितना खर्च हो रहा है, उससे कहीं अधिक अयोध्या के विकास पर भी योगी सरकार खर्च कर रही है। पुरानी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो कुंड और घाट भी संवारे जा रहे हैं। राम की पैड़ी से थोड़ा आगे बढ़ने पर सरयू नदी पर घाटों की श्रृंखला है। इन प्रमुख घाटों में तुलसी घाट, वैदेही घाट, श्री राम घाट, दशरथ घाट, कौशल्या घाट, लक्ष्मण घाट, भरत घाट, शत्रुघ्न घाट, सुतकीर्ति घाट, उमा नागेश्वर नाथ घाट, मांडवी घाट आदि प्रमुख हैं। राम की पैड़ी के बाद इन घाटों पर भी नए पत्थर लगाए जा रहे हैं। कुछ बन चुके हैं तो कुछ को बनाने की योजना है। हरिद्वार की हर की पैड़ी की तर्ज पर सरयू पर बनी राम की पैड़ी का भव्य स्वरूप अब भक्तों के मन को मोह रहा है। 50 करोड़ के खर्च से यहां दो स्कैप चैनल सहित 495 मीटर घाट का निर्माण हुआ है। इससे राम की पैड़ी अब सुंदर दिखने के साथ साथ अविरल रूप में भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। नए स्वरूप के सामने आने के बाद राम की पैड़ी सरयू घाट तक 3 गुना लंबी हो गई है। राम की पैड़ी के रिमॉडलिंग के बाद यहां जल प्रवाह साल भर अविरल रहेगा। भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण को अयोध्यापुरी का प्रशासक माना जाता था। उनके निवास स्थान यानी लक्ष्मण किले के घाट पर सरयू की धारा निरंतर बहती रहती है। ये अयोध्या के सबसे प्रमुख घाटों में से एक है, इसलिए सिर्फ राम ही नहीं बल्कि लक्ष्मण घाट को भी करीब 10.25 करोड़ की लागत से फिर से सजाया संवारा गया है। इस घाट पर सीताराम जी और लक्ष्मण जी का मंदिर है। घाट के बन जाने से इन मंदिरों की भी छटा और निखर आई है। अयोध्या में सिर्फ सरयू ही नहीं बहती, बल्कि इस परिक्षेत्र को अपने जल से कुछ अन्य नदियां भी भिगोती हैं, जिनमें तिलोत की गंगा, तमसा, वेदश्रुति, धेनुमती और मंजूषा भी अपनी धारा के साथ शामिल हैं। गुप्तार घाट के रास्ते सीता झील भी पड़ती है। योगी सरकार अयोध्या को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए सरयू तट के विकास, घाटों के सुधार, राम की पैड़ी के विकास और कनक भवन के जीर्णोद्धार सहित दूसरी अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास पर भी फोकस कर रही है, ताकि अयोध्या एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो सके। भगवान की स्मृतियों को समेटे
रामनगरी में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन गुप्तार घाट की अपनी अलग ही विशेषता है। ये वो घाट है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहां का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। योगी आदित्यनाथ सरकार गुप्तार घाट से नया घाट तक 4 किलोमीटर का बांध बनवाने जा रही है। इससे रामनगरी की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, अयोध्या के नया घाट से गुप्तार घाट को जोड़ने वाला एक अति आधुनिक मार्ग भी विकसित होगा। इस पूरी योजना की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये सड़क पर्यटकों को लुभाने के साथ ही गुप्तार घाट को सीधे रामनगरी से जोड़ेगी। गुप्तार घाट से नया घाट के बीच पक्के बांध के निर्माण के साथ ही सीता झील का भी विकास किया जाएगा। बंधे के पीछे बड़े क्षेत्र में सीता झील स्थित है। अभी ये काफ़ी बदहाल स्थिति में है। झील में कहीं कहीं अतिक्रमण भी हो चुका है। सीता झील को राम की पैड़ी की तरह बनाने की योजना है। नया घाट से गुप्तार घाट की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। इसमें नया घाट से लक्ष्मण घाट तक पक्के घाट का निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही गुप्तार घाट से भी लगभग 1.5 किलोमीटर तक घाट बन चुका है। पूरे मार्ग पर भरपूर पेड़ लगाकर हरियाली भी की जाएगी, ताकि आने वाले दिनों में सड़क के साथ ही सीता झील और बांध की खूबसूरती भी देखने लायक हो। ऐसी मान्यता है कि अयोध्या के कनक भवन में भगवान राम और दशरथ महल में उनके पिता राजा दशरथ खुद रहते थे। कनक भवन और दशरथ महल का भी जीर्णोद्धार करीब 11.5 करोड़ की लागत से होगा। इसी तरह रामकाठ गैलरी को संवारने के लिए 6 करोड़ का बजट है। अयोध्या में रामलला के मंदिर के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा धार्मिक महत्व की जगह हनुमानगढ़ी मंदिर है। इसकी सड़क 11 करोड़ की लागत से बन रही है। अयोध्या केवल हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान नहीं है। मर्यादा के सनातन प्रतीक भगवान राम की जन्म स्थली का गौरव पाया ये शहर अपनी समन्वयवादी छवि के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ सिखों के भी कई पवित्र स्थल हैं, जिनमें गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहब, गुरु नानक गोविंद धाम और गुरुद्वारा गुरसिंह सभा शामिल है, जिसे देश भर में गुरु नानकपुरा के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अयोध्या उनके 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। अयोध्या की इन्हीं सभी तीर्थस्थलों के विकास के लिए एक व्यापक योजना है। अगर आप पहले अयोध्या नहीं आए हैं तो एक बार जरूर आइए, देखिए राम मंदिर निर्माण के साथ कैसे बदल रही है रामनगरी अयोध्या। विपक्ष कहता है ये सब राम के लिए नहीं, बल्कि राम के नाम से मिलने वाले राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप चाहे जो हो, लेकिन इन्हीं अंतर्ध्वनियों के बीच हजारों आस्था केंद्रों के साथ साथ लेसा ये शहर राम मंदिर के निर्माण के साथ ही तेजी से बदल रहा है। तो देखते रहिए राम मंदिर निर्माण के बहाने अयोध्या के नव निर्माण को। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।